कांता के पास गए थे आप? हाँ। किसका कत्ल? एक औरत का, जिसका नाम है कांता। हाँ बाबूजी, सच्चाई का पता लगा के जरूर आइएगा। चलिए बाबूजी। अब पुलिस भी क्या करे जब बंदा खुद ही फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता है। लटक जा बेटा। वीरेन, ओ वीरेन, वीरेन, आखिर बचना है तो कांता से? आखिर वो औरत मेरे घर की बर्बादी का कारण बन गई ना? कामनी, तुमने मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया इस शादी के बाद भी इसका उस औरत के साथ संबंध है? आपको बता देती तो आप तो पता नहीं क्या करते। न थारी अकल पे पत्थर पड़े थे के? हाँ, बात थारी समझ में ना आती? अरे के ना किया तेरे लिए? अजय देख, इतनी अच्छी इतनी सुंदर पत्नी लाके दी तुझे। क्यों ला कर दी? किसने मांगी थी? मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश था। कांता भी मुझसे प्यार करने लगी थी तो फिर क्या जरूरत थी? पर मुझसे तो कहा था कि तू उससे प्यार करता है। क्या कहता बाबूजी? अलका ने कहा था ना, तो क्या हुआ उसके साथ? अलका को उसकी कार के साथ खाई में फेंकवा दिया गया। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? तू अलका की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है? अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, जबान संभाल कर बात कर, जबान संभाल कर बात कर। तो एक बार मुझसे तो आकर कहता, मैं अपना मन मार लेता। अलका के लिए भी तो मैंने अपना मन मारा था। मुझे क्या पता था कि वो मेरे फैसले से पहले अपना फैसला ले लेगी। मैं अभी उसी से प्यार करता हूं बाबूजी। ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर आप लोगों ने इसे मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? वो सब तो ठीक है जेठ जी, पर इस सब से मेरे देव का क्या लेना? और वो क्यों जाकर कांता का कत्ल करेंगे? कहीं आपको बचाने के चक्कर में वो खुद तो नहीं फंस रहे हैं? क्या आप कांता के घर गए थे? मैं तो रोज ही उसके घर जाता हूं। और घर तो तुम भी गई थी उसके? हाँ, मैं तब गई थी जब वो यहां आई थी। ना मेरी समझ में ना आ रहा, ये सब क्या ड्रामा है? तू क्यों गई थी उसके घर? क्या जरूरत थी तने? कहीं ऐसा तो ना है कि तूने ही कुछ किया? और तन्ने बचाने के चक्कर में देव ने अपने सिर पे इल्जाम ले लिया? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं तो सिर्फ उससे एक ही बार मिली हूँ। मैं एक बार भी क्यों गई? किसने दिए इजाजत तन्ने? मैं आज भी उससे मिला था।
उसने मुझसे बात की, उसने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं रुका। ये जानती है कि मैं उसके घर गया था, इसी ने कहा था मुझे। न क्या कह रहा है जबीर, तूने भेजा था इसे? क्यों? वो मैं नहीं बता सकती। तू खसम ने भेज सके है उसके घर, पर बता ना सके अमन ने? मेरे आने जाने के बाद वो जिंदा थे, पर देव को क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? देव का उससे क्या लेना देना और उसका देव से क्या लेना देना? मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। इबजे कहां चला गया? और कहां जा सकते हैं? पर बॉडी तो पुलिस कस्टडी में है। दीदी, क्या कत्ल होने से पहले आपकी कांता से आज बात हुई? पूछिए इनसे कि इसने कत्ल किया या नहीं। क्यों किया तूने ये सब? तुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों किया तूने ये सब? उस बिचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था देव? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। पूछिए इनसे क्यों किया तूने ये सब? पूछिए इनसे कि इसने कत्ल किया या नहीं। छोड़ूंगा। क्यों किया तूने ये सब? जान से मार जाने की जरूरत ही क्या थी? ने तेरा क्या बिगाड़ा था देव? भाभी ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में उन्होंने ऐसा किया है? उनके अलावा तो घर में कोई भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? नीरू भाभी के बारे में अगर मैं सबको बताता हूं तो उनको जेल हो जाएगी। उनके पास तो मोटिव भी था, वीरेन भैया का अफेयर था उस कांता के साथ। ये तुम किस पर इतना गुस्सा निकाल रहे हो और क्यों गुस्सा कर रहे हो? शर्म आ रही है मुझे वीरेन भैया को अपना भाई कहते हैं। शक तो मुझे पहले से थी, इसलिए मैंने मैनेजर को मना किया था वीरेन भैया को पैसे देने के लिए। पैसे मना करने पर इस घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ था। आप पर हाथ भी उठाया था जेठी ने। अब कौन
मारेगा उनके मुंह पर थप्पड़? उनको कोई थप्पड़ मारे या ना मारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी में जो हमारी इज्जत जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे एक बार नहीं समझ में आ रही कि देव वहां क्या करने गया था। देव का उस औरत से क्या लेना देना? वही तो मैं सोच रही हूँ कि देवर जी का उस औरत से क्या लेना देना। तुम ये सब छोड़ो, मुझे फाइल दो, मैं सारे अकाउंट टैली कर लेता। अरे आप मुझे बताइए ना, मैं कर देती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करना होगा मुझे ही करना। मैं एक काम करता हूँ, सारे अकाउंट चेंज कर देता हूँ, कम से कम जो पैसा बचा वो तो बच जाएगा। इसकी बेल कराओ, उसको जमीन खरीदनी, उसको पैसे दो, ये खर्चा वो खर्चा, सारा पैसा ऐसे ही चला जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे फाइल दो और हाँ मेरा फोन भी देना। ये लीजिए। हेलो। हाँ बल्ली। हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने ज्वाइंट अकाउंट में, लेकिन उस अकाउंट से किसी को भी पेमेंट मत करना, समझा? और हाँ शोभी को बोल दे जितनी भी जमीन बची है सब खरीद ले, मैं इमीडिएटली पैसे भेज रहा हूँ। चल अच्छा बाय। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वैसे भी जमीन तो खरीदनी थी मुझे, और अभी खरीद ली सौदा अच्छा मिला तो, और इससे पैसे भी सेव हो गए, और कल को हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है, कल को हमारे बच्चे भी होंगे और उनके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। अभी बच्चे की प्लानिंग? प्लानिंग तो हो गई समझो, नंदनी ने हमें उस डॉक्टर के पास ले जाकर बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए नंदनी को 10 में से 10 मार्क्स। जिसे देखो नंदनी को ही मार्क्स देते रहता है। चलो अब गुस्सा छोड़ो और नीचे चलो, वरना माजी और बाबूजी पता नहीं क्या सोचेंगे। उन्हें जो सोचना सोचने दो, वैसे भी देव ने मुझसे पूछकर मर्डर किया क्या? अच्छा आप छोड़ो भी। इतनी देर हो गई अभी तक नंदनी नहीं आई। देर तो हो ही गई है। नंदनी, नंदनी। आई बाबूजी। इतनी देर कहाँ लगा दी? चलो जल्दी चलते हैं, टाइम हो गया। वो वकील को फोन करने में लेट हो गई बाबूजी। माँ जी मैं भी चलूं? ना ना तू घर पे रह, अरे बहुत काम है घर पे करने वाला। ना इब किसे फोन लगाने लग रही जो? पापा को। हेलो। हेलो पापा। वो देव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किस जुर्म में? मर्डर की। बेटे तुझे तो रात को ही फोन कर लेना चाहिए था मुझे। ना क्या जरूरत थी प्रधान ने सब बताने की? हाँ वो मेरे पापा हैं माँ जी, और उनको बताना भी जरूरी है। कैसी बात कर रही हो कामनी, वो एक बेटी है और बेटी को अपने पिता को बताना उसका अधिकार है। और इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलते हैं हम। चलो ध्यान रखना। कैसे हो गया? हाँ इंसान को उतने ही सपने देखने चाहिए जो आंखा में समा जाए। आंखों से बड़े सपने देखेगा ना तो आंखें फूट जाएंगी तेरी।
छोड़ दे इस प्रधान की छोरी ने। इंसान को उतने ही सपने देखने चाहिए जो आंखा में समाजे हैं। आंखों से बड़े सपने देखेगा ना तो आंखें फूट जाएंगी तेरी। हाँ तुम्हें बोलने की जरूरत ना है। देव की बिल तो मैं करा ही लूंगी, छड़ा लूंगी अपने छोरे ने। लाओ मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। मैं बात कर रही हूँ ना। दुनिया इतनी बड़ी ना है कि माँ के आंचल में ना समा सके। अपने देव ने तो मैं जूं छुड़ा लूंगी जूं, समझ गया? ले चंदेल सिंह, पहुंच गई हूं मैं पुलिस स्टेशन। ये भी बाहर लेके आती हूं अपने देव ने। अरे बहुत कठिन है डगर पण घट की है। चौधरायण तन्ने बेरा कोई ना असली कहानी के बेल ना होगी तेरे छोरे की, क्योंकि उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। और भाई मैंने तो अपने आप को खुद ही स्टोरी से आउट कर लिया है। जय शीतला माता। कितने बजे लेके चलेंगे आप एसडीएम के पास? जब मेरी मर्जी होगी। अब एसडीएम को क्या पता कि जुर्म कहां हो रहा है और मुजरिम कहां है? वैसे जज को भी ये पता नहीं चलता जब तक हम पुलिस वाले उन्हें बताते नहीं। मतलब क्या है आपका? आप देव को एसडीएम के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू सही कह रही है, आप हमारे बेटे को पेश क्यों नहीं करते? हम उसकी जमानत करवाने आए हैं, हमारे पास सारे पेपर्स हैं और हम पैसे भी साथ लाए हैं। पहले केस तो बना लो, शिनाख्त कर लो, तब तक आप बैठिए। पुलिस स्टेशन है, आराम से बैठिए। इंस्पेक्टर, ये आप सही नहीं कर रहे। तो क्या गलत कर रहा हूं? केस तो बनाना पड़ेगा ना, अगर जज ने पूछ लिया तो। ठीक है, आप अपना केस बनाइए, तब तक हम अपने देव से मिल लेते हैं। ठीक है, आओ। मैं जानती हूं देव, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कांता से क्या वास्ता? तुम वहां क्यों गए थे? पता नहीं तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। किसी को नहीं बचा रहा हूं, जो मैंने किया उसे एक्सेप्ट कर रहा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। देव, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने कांता का मर्डर किया है। जब मर्डर कर सकता हूं तो आंखों में आग डालकर कह भी सकता हूं कि मैंने कत्ल किया है। क्यों कर रहा है जैसा? मेरा दिल तुझे मानने को तैयार ना है कि तू ऐसा कोई जुर्म कर भी सके।
देव छोड़ दे इस प्रधान की छोरी ने। जब से प्रधान की छोरी हमारे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ठीक है बेटा, मत बताओ, हम सच्चाई ढूंढ निकालेंगे। जब से प्रधान की छोरी हमारे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देख, पहले तेरे बाऊजी ने दिल का दौरा पड़ गया और अब देख तू खून के इल्जाम में जेल में। छोड़ दे इस छोरी ने, छोड़ दे। कामनी, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं करते। कैसी बातें करूं? हाँ, अरे इसमें बुराई क्या है? एक फोन ही तो करना है प्रधान ने, इबी के भी बोल दूं। उन्हें किसने बताया? और कौन बतावेगा? उसकी छोरी ने ही तो फोन किया घर से निकलने से पहले। ओ देव, मैंने सच सच बता दे कि के हुआ। मैं अच्छी तरह जानू कि तू ऐसा कर्म न कर सके, और कांता ने भी अच्छी तरह जानू मैं। अरे कितनी बार उस छोरे चंद्र से कहा मैंने कि कांता ने दूर रख वीरेन से, पर ना। अरे आप तो जाने कहां चला गया और छोड़ गया इसे कांता ने वीरेन के गले में। माँ, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? माँ माँ हूं ना, स्वार्थी भी हूं, इसीलिए सबने ऐसी दिखाई तुम। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस ये बता दे कि असलियत क्या है। बाबूजी, मैं कैसे कह दूं कि मैंने कत्ल नहीं किया, जबकि मैंने किया है। मैंने ही किया है कत्ल। ये सच कह रहा हूं कि ये कत्ल मैंने किया है। माँ, ठीक है बेटा, मत बताओ, हम सच्चाई ढूंढ निकालेंगे। चलो। मैं कैसे कह दूं कि ये कत्ल मैंने नहीं किया? इंस्पेक्टर, अगर रखवाले हो तो मेरी कांता को क्यों नहीं बचा पाए? मैं कानून का रखवाला हूं। तुम्हारी रखेल का नहीं? रखेल नहीं थी वो मेरी, प्यार थी वो मेरा, सब कुछ। अच्छा, तो उसे बीवी बना के घर क्यों नहीं ले गए? पुलिस कांता के बारे में सब कुछ जान चुकी है, कोई नहीं उसका इस दुनिया में, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना घर, ना उसकी बहन, ना कोई रिश्तेदार।